बिजनौर के थाना क्षेत्र नांगल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को 50 लाख रुपए की अवैध पंजाब मार्का की शराब के साथ धर दबोचा, जो कि एक 10-13 गाड़ी में लाई जा रही थी। ये हमारे यहाँ स्वाट की टीम और थाना नांगल की टीम सूचना पे उन्होंने रात एक बड़ा ट्रक पकड़ा हुआ जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें पंजाब से लाई गई थी और ये ट्रक सहित इसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है और इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य व्यक्ति थे जो इसको मंगवाने में शामिल थे, उनको इस केस में वांटेड किया गया है। इन व्यक्तियों को जो बाकी शेष है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है, सारा माल रिकवर किया गया है। और इसमें यह तथ्य भी सामने आया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो दुकानें 500 मीटर शिफ्टिंग होनी थी, कुछ असामाजिक तत्व उसका फायदा उठा के और वो नई जगह दुकानें खुलने नहीं दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, पब्लिक को आगे करके विरोध करवा के कुछ लोगों को अवैध शराब बेचना चाह रहे हैं। पूछताछ में बात सामने आई, हम लोग इसकी और पुष्टि कर रहे हैं और उनके खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाँ, इस केस में अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, बाकी जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो अभी आपको हम एफ आई आर की कॉपी दे देंगे, आप देख लेंगे। देखिए, जनता में सबको मीटिंग करके जगह जगह बात बता दी गई है, अगर किसी दुकान पे किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी एक कमेटी बना के आ जाए जिले में डीएम साहब से और हमारे स्तर पे उनसे बातचीत करके हम लोग उसमें जो भी समाधान कर सकते हैं उसमें हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, किंतु किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी कोई दुकान पे जाके तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, दुकान लूटे। ऐसे जो भी मामले सामने आए हैं उसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन व्यक्तियों के खिलाफ विधिक रूप से कार्रवाई की जा रही है।